नमस्ते दोस्तों टी आर एस क्लिप्स हिंदी में आपका स्वागत है सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकॉन एंड एंजॉय द क्लिप आई फील कि अभी वॉर मूवीज का एक फेज़ आ रहा है इंडियन सिनेमा में 1971 वॉर पर भी एक मूवी काफ़ी सारी मूवीज बन रही है एक्चुअली पर नाइनटीन सेवेंटी वॉर के बारे में काफ़ी सारे लोगों को पता है इस पॉडकास्ट पर भी उस वॉर के बारे में बातें हुई है बट आई वुड लाइक अ बिट अ रिकेप फ्रॉम यू सो फ्रॉम योर आइस जिन लोगों को 1971 सेवेंटी वॉर के बारे में नहीं पता थोड़ा सा ब्रीफ में समझा दीजिए और उसके बाद लॉन्ग टर्म लेगेसी ऑफ दैट वॉर ये भी जानना चाहूँगा कितने ऐसे ऑपरेशन हैं दुनिया के अंदर जहाँ पे एक कंट्री को एक अलग नक्शा दिया गया है ना एंड आपने एक लड़ाई लड़ी है और वो गोली की स्पीड से खत्म हो गया ठीक है दिनों के अंदर एंड आपको ताजुब होगा जानकर के जो पूरा ऑपरेशन प्लान है एक टिश्यू पेपर होता है उतने से पेपर पे बैठ करके अपना बना दिया था सर मानिक शाह ने और ये पकड़ा दिया था कि दिस इज द ऑपरेशन प्लान ठीक है बताया गया था कि भैया लड़ाई करनी है और ये इस तरह की चीज़ें हो रही है रेफ्यूजी प्रॉब्लम डेमोग्राफी चेंज हो रही है बहुत सारे कारण थे हमारे अपने रिसोर्सेज ड्रेन आउट हो रहे थे कि ये करना है बट उस समय मना करा मिलिट्री कमांडर ने है ना कि ये सही समय नहीं है क्यों मानसून ज़्यादा है बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है ही नहीं वहाँ पर ना रोड के लिहाज से और ना कम्युनिकेशन के हिसाब से हमारे पास में उतना एमिनेशन उतने हथियार नहीं है टाइम लगेगा सब चीज़ें गैदर करने में और मानसून में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी और हम ये पक्का लड़ाई सक्सेसफुली अंजाम नहीं दे सकते लोगों को रेजिस्टेंस भी था कि अभी कर दो लेकिन मना किया गया कि नहीं ये सही समय नहीं है समय बाय किया गया एन उसके बाद में अपना प्लान किया गया जिसके दौरान नई यूनिटें बनाई गई कुछ यूनिटों को आपस में जोड़ा गया कुछ हथियार हैं इम्प्रूवमेंट करे गए ज़्यादा सप्लाई करी गई राशन वगैरह स्टॉक किया गया कुछ क्लोदिंग वगैरह नहीं थी वो जो कमी पेशी थी वो पूरी करी गई लोगों की ट्रेनिंग कराई गई नहीं। 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 बहुत सारी लड़ाई इट्स नॉट आसान नहीं है सिर्फ कि लड़ लेते हैं कोई ये बॉक्सिंग अबाउट नहीं है दो कंट्री लड़ती हैं दिन रात का काम है यू नो बहुत सारा काम हुआ उसके बाद में एंड महीनों लग गए एंड जब सही समय आया तब बताया गया कि अब भैया हम बेगुल बजाएंगे एंड वो इतना अच्छे से प्लान किया गया कम समय पर क्लैरिटी ऑफ डिसीज़न आप देखिए हर एक ऑपरेशन में कोई भी हो चाहे वो एक टैक्टिकल ऑपरेशन हो या अपना स्ट्रेटिक लेवल पे हो अगर एक अच्छा हुक्म आपने दिया है ठीक है तो मजबूती से ग्राउंड पे काम होगा अच्छा प्लान बनाया गया प्लान का एग्जीक्यूशन गोली की स्पीड से किया गया एक तरफ़ा नहीं दो तरफ़ा नहीं तीन डायरेक्शन से हमला किया गया आर्मी एयरफोर्स नेवी तीनों ने मजबूती से मिलकर के जो जॉइंट ऑपरेशंस बोलते हैं सैनर्जी बोलते हैं ठीक है फैंसी वर्ड्स नहीं है ग्राउंड पे करके दिखाया उस ज़माने में जब इतने इक्विपमेंट नहीं थी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी बट फिर भी तीनों फोर्सेस ने मिलकर गजब का काम किया है ना कि कट ऑफ कर देना चाहे सप्लाई हो री हो ना कराची से आएगी ना हवा के रास्ते से आएगी और ना जमीन के रास्ते से आएगी और जब आप किसी पर तीन तरफा हमला करते हो और वो भी गोली की स्पीड से करते हो उसमें अनकन्वेंशनल कन्वेंशनल दोनों तरीके से करते हो तो समझ से बाहर हो जाता है कि हो क्या रहा है हमारे साथ में यू नो एंड सी द एंड रिजल्ट यहां पे नब्बे हजार प्लस सोल्जर्स ने सरेंडर किया नब्बे हजार कितने जीरो होते हैं आप पूछो लोगों से खड़े करके आप एक बार ग्राउंड में खाली ग्राउंड पे खड़े करके देखिए नब्बे हजार लोग कितने लगते हैं वो कैसे दिखाई देती है नफरी और इतने लोगों के घुटने टिकवा देना आई थिंक ये बहुत बड़ा है अपने आप में मोटिवेशन इसका सीन नब्बे लोगों को सरेंडर करा देना विलिंगली कि यस दिए और एक अलग नक्शा बना करके एक देश ही बना देना बहुत बड़ी काबिल तारीफ है चीज़ ठीक है हमारी खुद की <coughs> यूनिट थी सेवेंटी वन में हमारे भी उस समय सी ओ थे जन वेणुगोपाल डेट टाइम लेफ्टिनेंट कर्न जेनू वेणुगोपाल गॉड ब्लेसिज सोल एंड uh, जब रिकॉर्ड पढ़ते हैं इकहत्तर की लड़ाई का कि यूनिट में कि ये लिखा ऐसे ऐसे हुआ था है ना बैटल ऑनर थिएटर ऑनर हमारी यूनिट को मिला बैटल ऑफ दर्शना जब उसकी स्टोरी पढ़ते हैं कि भाई एक, एक पतिराम गुरुंग थे उन्होंने ये किया एक एलम जी लेके यहाँ चले गए थे वो चले गए थे इट इज़ अ ग्रेट मोटिवेशन जब आते हैं यूनिट में तो पढ़ाया जाता है एक एक चीज़ कि आपको पता होना चाहिए कौन सा ऑपरेशन था किसकी फ़ोटो है उनको क्या अवार्ड मिला है कहाँ पर मिला है जब तक आपको पूरी चीज़ें कि एक ट्रॉफ़ी ये वो पूरा वॉर हिस्ट्री नहीं है आप मेस में नहीं जाएंगे सो so, जो लोग तीन घंटे की मूवी के हिसाब से जाते हैं और वहाँ पर बोलते हैं एक्टर ने बड़ा अच्छा काम किया है मैं कहता हूँ ये तो बहुत बड़ा आई थिंक विकी कौशल इज़ प्लेइंग द रोल जी एडवाइस एन अपील टू हिम और एनी वन यू नो ए मैन ऑफ सच मैग्नीट्यूड आसानी है उनका रोल अदा करना है ना फील करना पड़ेगा वो लाने भी पड़ेगी अपनी आवाज में बुलंदी में एंड दोज काइंड kind ऑफ of छोटे छोटे इंसिडेंसेस, ना जिससे एक यंगस्टर्स को एक अलाइनमेंट मिलेगी एक छोटा सा इंसिडेंट देता हूँ जब ये लड़ाई चल रही थी वहां पर तो ही वॉज पोस्टेड इन द न सेक्टर एंड वेन यू टू को जेवसी देयर तो ही कॉल फॉर ए कॉन्फ्रेंस पूरे फॉर्मेशन के ऑफिसर्स को वहां पे बुलाया गया एंड उस समय कुछ विड्रॉल्स भी थे कि uh, पीछे बुलाया जाए को नॉट से जियो सी हीट ओनली वन मैसेज देर विल बी नो मोर विदड्रॉल्स एंड द एंड ऑफ द कन्वर्जेशन इट वेंट सीधा दिमाग में गया कि भाई अब वापस नहीं होगा बोल के गया ओल्ड मैन सिर्फ आगे बढ़ा जाएगा पीछे नहीं आएंगे तो उनका जो रोल अदा करना है ना यार बहुत शिद्दत का काम है बिग चैलेंज सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं होगा उनके कुछ एक मैसेज हैं एक उनकी ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छी थी साफ बात करते थे ठीक है विजन बहुत अच्छी थी काफ़ी होमवर्क चाहिए उस रोल में जान डालने के लिए टी Clips Hindi क्लिप्स हिंदी के इस क्लिप देखने के लिए थैंक यू दोस्तों लव टू यू ऑल नीचे हमने लिंक किया है इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट को यानी पूरे एपिसोड को उसके नीचे हमने लिंक किया एक ऐसी प्लेलिस्ट को जिसे देखकर आपको बहुत मज़ा आएगा